ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। जो अज अर्थी फूक मुजहरा किया है वो साढ़े सफाई सेवक यूनियन पंजाब वालों जो सानू ऑर्डर सी असी उस ऑर्डर के मुताबिक किया, क्योंकि पंजाब सरकार मुलाजम मारू नीतियां कर रही है। पंजाब सरकार जदों तो बनी उन्होंने साढ़े मुलाजमान अज तक कुछ भी नहीं दिता। साढ़े काफ़ी डीए जो पेंडिंग पे, साढ़ा कच्चा मुलाजम अज भी कच्चा ही है। उन्हां नूं पक्के करन वाली नीति कोई सरकार अपना नहीं रही, और साडा जो पे कमीशन है वह भी हले तक लागू नहीं किया। छेवां पे कमीशन है साढ़े जिहड़े म्यूनसिपल एक्शन कमेटी पंजाब के सूबा प्रधान सूबा टीम है, जद भी उन्हां दी मीटिंग हुई है मनप्रीत बादल साहब जिहड़े वित्त मंत्री बनाए गए ने उन्हां नाल मीटिंग दौरान उन्होंने हर बार यो कहा वा कि खजाने की हालत बहुत ही माड़ी है, और कोई ना कोई बहाना ला के इस मीटिंग नूं पोस्टपोन किया जाता, टाल दिता जाता, और सही तरीके नाल साडी पंजाब दी सूबा कमेटी की जिहड़ी मीटिंग ये नहीं लै रहे, जिहदे विच चलदे मतलब साढ़े जो सूबा प्रधान जी और सैकटरी साहब और बाकी भी जो सूबा की टीम है उन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक इन्हां दे कान तो जूना सरकी उन्हां दे कि साढ़े इन्होंने फैसलों ते गौर नहीं करनी। तीन दिन का जो साडा अर्थी फूक मुजहरा सी 28, 29 और 30 तरीक का ये चल रहा है। इस तो बाद भी अगर सरकार ने अपना कोई फैसला साढ़े मुलाजमान के हक के ना लिया, इस संघर्ष को आप सूबा कमेटी के कहने होर भी तेज़ करांगे।